कहां से मिला मुसव्वदा, किसने बनाया मुसव्वदा, किसने भेजा मुसव्वदा, किस लिए भेजा मुसव्वदा साहब? की आईनी तरामीम नहीं, ये गैर आईनी तरामीम है, ये गैर आईनी तरामीम है। आप खड़े हो जाएं और डिमांड करें क्या वो बात करते हैं, लेकिन या उनसे बात कर लो या उनसे लड़ लो। मैं आपसे ये कह रहा हूं, खुदारा खुदारा आप आईनी तरामीम लाइए, हम उसके लिए बात करने के लिए तैयार है, लेकिन इस सवाल में लाइए, अंधेर कमरों में नहीं, किसी की मर्जी मंशा पे नहीं। रात के 1-2 बजे जब इस हुकूमत का बरनाम लॉ मिनिस्टर मीडिया के सामने ये कहता है कि मुझे तो मुसव्वदा मिल गया, आप मुझे बताइए मुसव्वदा, आगा साहब मुसव्वदा कहां से आया? मेरी मालूमात के मुताबिक, मैं भी एक छोटा मोटा मिनिस्टर रहा हूं इस हुकूमतों में, मेरी मालूमात के मुताबिक लॉ मिनिस्टर जब कानून बनाता है वो कैबिनेट की अप्रूवल से, वज़ीर आज़म की मंशा से उसकी लॉ डिवीजन बनाती है। लॉ मिनिस्टर को कभी यह नहीं कहना पड़ता कि मुझे मुसव्वदा मिल गया। कहां से मिला मुसव्वदा, किसने बनाया मुसव्वदा, किसने भेजा मुसव्वदा, किस लिए भेजा मुसव्वदा? मैं पीपल्स पार्टी पे मेरा बड़ा सवाल है, क्योंकि जिससे तवक्को होती है उसी से सवाल होता है। आप कहते हैं हमने आईने पाकिस्तान बनाया, बिलावल साहब आज नहीं है, वरना मैं मोहतरम बिलावल साहब से पूछता कि और तो कोई करे तो करे, आपकी जमात भुट्टो साहब की जमात कैसे आर्टिकुलेट में चेंज कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स को कैसे आप चेंज कर सकते हैं, मिलिट्री कोर्ट्स के हक में कैसे आप बात कर सकते हैं, बुनियादी इंसानी हकूक में आप चेंज कैसे कर सकते हैं? मेरे भाइयों और दोस्तों, कुरान में अल्लाह फरमाते वामरहुम शूरा बैनहुम, और मोमिनीन को जब कोई मसला होता है तो आपस में शूरा करते हैं। ये शूरा, शूरा को शुराइयत का इख्तियार दो, जो इख्तियार नहीं दे रहा छीनो अपना इख्तियार, यहां चीजें लाओ, यहां फैसला करो, यहां फैसला। खान साहब ये कहीं से आया नहीं है, डिक्टेट नहीं हुआ, ये बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ नहीं है, ये आपको मिलिट्री कोर्ट के हवाले करने के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान में इंसाफ के लिए है, आइन को बेहतर करने के लिए, हम उनको कायल करेंगे। वो भी इंसाफ के नाम पे जमात बनाए बैठा है, लेकिन आज अगर यहां पे इस ऐवान में आप ऐसे कानून पास कर रहे हैं जिसके लिए कल आप तारीख के सामने शर्मसार होंगे, क्या आप भूल गए एक मतलक नलान ने आप ही के लीडर को हथकड़ियां पहना के मुल्क से बाहर दरबदर किया? हाँ, मेरा लीडर दरबदर होने के लिए तैयार नहीं है, वो खड़ा है, वो डील नहीं ले रहा, वो कहता मैं खड़ा हूं, मैं नहीं जाऊंगा, मुल्क छोड़ के नहीं जाऊंगा। लेकिन कुछ लोगों को छोड़ के जाना पड़ता है, कुछ गए हैं, मैं बुरा नहीं कहता, माजी में बहुत सी लीडरशिप जरावतन भी हुई है, लेकिन जो आपके साथ हुआ है आप वही गड़ा फिर खोद रहे हो। याद रखना, जो बोते हो वो खा वो काटोगे। ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं, ये आईनी तरामीम जिस तरीके से पास करने की कोशिश की जा रही है, अगवा करके, अबडक करके, खवातीन को उठा के, सिर्फ शरियार अफरीदी की वाइफ और इनकी बेटियां, उनको उठाना काफी नहीं था जो आपने वो सिलसिला आज भी रखा? अगर आप इस तरीके से करेंगे तो मैं बसद एहतराम करूंगा जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, कि ये आईनी तरामीम नहीं, ये गैर आईनी तरामीम है, ये गैर आईनी तरामीम है। आप खड़े हो जाएं और डिमांड करें क्या वो बात करते हैं, लेकिन या उनसे बात कर लो या उनसे लड़ लो। ये कैसे हो सकता है कि दिन की रोशनी में तो स्पेशल कमेटी बैठे, वो उमर यूब, साहबजादा हामिद रजा, बैरिस्टर गौहर या अमर डोगर से बात करें, और रात की तारीकी में आप हमारी माए बहने उठा दें? याद रखना, याद रखना, इज्जत से ऊपर कोई चीज नहीं है। इज्जत पे हरफ आएगी तो फिर आईन कानून पीछे रह जाएगा, इस मुल्क में बहुत बुरा हाल खुदा न खास्ता हो जाएगा। एविडेंस पॉलिसी हमने बनानी है, मिलके पाकिस्तान को मजबूत करना है, लेकिन अगर ये नहीं करोगे, अगवाकारी जारी रहेगी, अबडक्शन जारी रहेगी, डिसअपीयरेंस जारी रहेगी। आज ये पूरे ऐवान में पीछे देख लें, आप तो बैठे, ये मेरे पीछे पूरा ऐवान खाली है। आज जनाब डिप्टी स्पीकर साहब दहशतगर्द खुले फिर रहे, कातिल खुले फिर रहे, डाकू खुले फिर रहे, लेकिन एमएनएस अपनी जान बचाते फिर रहे।